आप लोग जरा नोटबुक में इन सारे चीज़ों को लिखते जाइए क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब ये कितने का हो जाएगा, तो भाई एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू क्यू का वर्ग डिवाइडेड बाय r/2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा भी और आगे चलते हैं। तो बच्चों 2q का वर्ग को बच्चों कितना बोल सकते हैं, 4q2, और r/2 का वर्ग यानी कि r2/4। अब ये वाला बच्चों 4 अभी ऊपर आ जाएगा तो कितना बच्चों मिलेगा, 16। और फिर बच्चों क्या बेटा मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 बाय r2। तो बच्चों ये क्या था बच्चों, पहले वाला बल F, यानी कि बच्चों कितना बेटा मिलेगा, 16 × F। तो बच्चों कितने का भाई मिलेगा, 16 × 1.5 × 10^-2 N, 16 × 1.5 × 10^-2 N, यानी कि जवाब कितना है बच्चों, तो 0.24 N। चार्ज को दुगुना और अंतर को अगर आप आधा करेंगे तो बल बच्चों 16 गुना बढ़ जाएगा। आप लोग बच्चों जरा सा नोटबुक में लिखते जाएगा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है बच्चों, चलेगा बेटा। एक अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, क्वेश्चन नंबर बच्चों 1.13। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन बेटा एकदम से बच्चों सिंपल है, सुनेगा बच्चों। क्वेश्चन बच्चों ऐसा कहता है कि इससे का पहले वाला क्वेश्चन यानी कि 12 वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने, मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो बच्चों हल किया, उसमें से क्या था कि ए और बी जैसे कि दो बच्चों कॉपर का भाई गोला है, दोनों के ऊपर बच्चों क्यू बराबर 6.5 × 10^-7 कूलम का भाई विद्युत भार दिया गया था। ठीक है बच्चों, और इनके बीच का अंतर जैसे कि बच्चों अभी 50 सेंटीमीटर का था। ऐसा ही बच्चों प्रश्न था, प्रश्न क्या था बेटा, फिर से कहता हूँ एक बार कि दो जैसे कि भाई कॉपर का गोला है ए और बी, बच्चों विद्युत भार कितने का दिया गया है, 6.5 × 10^-7 कूलम का। ठीक है बच्चों, और अंतर कितने का है, तो भाई 50 सेंटीमीटर का। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्चों विद्युत भार रहित यानी कि अनचार्ज, एक बच्चों न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं, एक न्यूट्रल गोला बच्चों सी लाया गया। ए और बी बच्चों विद्युत भारित थे, दोनों के ऊपर बच्चों चार्ज था 6.5 × 10^-7 कूलम। अब क्या किया जाता है कि एक बच्चों न्यूट्रल जिसके ऊपर विद्युत भार नहीं है, वो एक ऐसा गोला लाया गया। ठीक है बच्चों, और उसको पहले ए से पहले उसको बस टच करवा दिया गया। ठीक है बच्चों, ए से पहले अब उसको टच करवा दिया गया, फिर उसके बाद में जब अगर सी को ए के साथ में टच करवाया गया, फिर उसके बाद में सी को दोबारा से फिर से बच्चों बी के साथ उसको बच्चों टच करवाया गया। एक बार सी को ए के साथ में भाई टच करवाया गया, फिर ए के साथ में टच करवाने के बाद सी को और फिर बी के साथ में टच करवाया गया। ठीक है बच्चों, बाद में सी को फिर अब हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, बाद में फिर अब सी को हटा दिया गया, ये वाला सी जो अभी आप देख पा रहे होंगे। तो अब बताइए ए और बी के बीच में अब कितना बल लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा अभी हमने जैसे हमें पता है कि ए और बी के ऊपर 6.5 × 10^-7 कूलम का विद्युत भार था, हमने इसको बच्चों क्यू मान लिया। अभी बच्चों पता है क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी अगर दो वस्तु है, ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई भी दो जैसे कि एक समान वस्तु है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं, अगर बच्चों मान लेते हैं बच्चों कि अगर इसके ऊपर का चार्ज बच्चों क्यू है और अगर ये बच्चों न्यूट्रल है, दोनों जैसे कि भाई अगर ये एक समान वस्तु है, अगर मैं इन दोनों को भाई टच करवाऊंगा तो पता है बच्चों क्या होगा, इन दोनों के ऊपर अब बच्चों बराबर बराबर विद्युत भार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बच्चों अभी बराबर बराबर भाई विद्युत भार आ जाएगा। एक अनचाफ था, दूसरा बच्चों न्यूट्रल था, सॉरी एक बच्चों चाफ था, दूसरा बच्चों न्यूट्रल था, दोनों एक समान है। अगर हम इनको बच्चों टच करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों कि भाई इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों के ऊपर बच्चों बराबर का विद्युत भार आएगा। दोनों के ऊपर कितना आएगा, तो बच्चों इक्वल विद्युत भार आएगा। तो सुनेगा बच्चों, अभी पहले क्या किया गया बच्चों, ए के ऊपर बच्चों विद्युत भार क्यू का था। ठीक है बच्चों, अब सी को बच्चों इसके साथ में बच्चों टच करवा दिया गया, सी के ऊपर बच्चों पहले कोई भी भाई विद्युत भार नहीं था। तो अब ए के ऊपर अब बच्चों कितना विद्युत भार आ जाएगा, q/2, और सी के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों q/2। ए के ऊपर कितना आएगा बेटा q/2, और सी के ऊपर कितना आएगा, तो बच्चों q/2। अच्छा, अब बच्चों सी के ऊपर अब बच्चों q/2 आ चुका है।